टेक्नोलॉजी हमारे जिंदगी को कितना बेहतर और आसान बना सकती है, इसका एक शानदार एग्जांपल गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया है बजट 2020 में। गवर्नमेंट लेकर के आई है ई पैन फैसिलिटी, यानी अब आप 2 मिनट से भी कम समय में अपना पैन कार्ड बना सकते हैं, एंड दैट टू फ्री, इवन आपको 1 रुपए भी खर्च नहीं करने। सो मैगी 2 मिनट में बने न बने, लेकिन आपका पैन कार्ड 2 मिनट में जरूर बन सकता है। ये पैन कार्ड इक्वली वैलिड है, सेम वैसे ही यूज हो सकता है जैसे कि आपके पुराने पैन कार्ड्स, प्लास्टिक वाले पैन कार्ड्स यूज हुआ करते थे। बेसिकली इस सिस्टम में आपके घर पे किसी तरीके का पैन कार्ड, फिजिकल पैन कार्ड नहीं आता, रेदर आपको एक ई पैन मिल जाता है आपके मेल बॉक्स पे। आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, उसको लैमिनेट करा के सेम वैसे ही यूज कर सकते हैं जैसे कि आप पुराने वाले पैन कार्ड्स यूज करते थे। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पैन कार्ड है ये ई पैन कार्ड है, और इसको लैमिनेट किया जा सकता है, और वैसे ही उतना ही साइज भी हो जाता है लैमिनेशन करने के बाद में जितना कि आपका पुराना वाला पैन कार्ड होता था। इस ई पैन को बनाने में 2 मिनट से भी कम समय इसलिए लगता है क्योंकि अब आपको ना तो आपका नेम एंटर करना है, ना तो फादर्स नेम, ना तो लोकेशन, ना तो बैंक के डिटेल्स, ना तो फोटो अपलोड करनी है, ना तो सिग्नेचर अपलोड करना है, कुछ भी नहीं करना। अगर आपको एंटर करना है तो जस्ट 2 चीजें, पहली आपका आधार कार्ड और दूसरा ओटीपी जो आपके फोन पे आएगा। सो बेसिकली ये फीचर आपके आधार कार्ड से मैप्ड है, यानी आप ई पैन बनवाना चाहते हैं तो आपको तमाम पर्टिकुलर्स वही वाले पर्टिकुलर्स अवेलेबल हो जाएंगे जो आधार कार्ड में है, यानी नेम, फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट्स, लोकेशन, एड्रेस, सब कुछ आधार वाले इंफॉर्मेशन से इकट्ठी होकर के सब कुछ वहां से उठ करके आएगी और पैन कार्ड की डिटेल्स के लिए यूज कर ली जाएंगी। तो बेसिकली आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड देना है, ओटीपी आएगी इस चीज को ऑथेंटिकेट करने के लिए कि आप उस आधार के वैलिड होल्डर हैं, और जैसे ही आप उस ओटीपी को एंटर करेंगे आपका ई पैन जनरेट हो जाएगा। सो बिना 1 रुपए खर्च किए हुए इंस्टेंटली 2 मिनट में आपका ये पैन कार्ड रेडी हो जाएगा। सो कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है वो इस पैन कार्ड को इजिली बना सकता है। So, ये तो था बैकग्राउंड उस ई पैन फीचर का। अब चलिए एक रियल में एक पैन कार्ड बना के देख लेते हैं, वो भी 2 मिनट से कम समय में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सी अमित कुमार एंड यू वाचिंग द वेल्थ मंत्रा। आई पर्सनली बिलीव जो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है दैट इज इन्वेस्टिंग योर टाइम इनटू लर्निंग समथिंग न्यू। कुछ नया सीखने के लिए जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट आपको सबसे बेहतर रिटर्न्स देने वाली होती है। बिलीव मी, इस चैनल पर अवेलेबल सारी वीडियोस आपके फाइनेंस और वेल्थ को और बेहतर मैनेज करने के लिए जरूर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव टिप्स, आइडियाज एंड नॉलेज लेके आते हैं। सो डू सब्सक्राइब इट। चलिए चलते हैं सीधे स्क्रीन पे और देखते हैं कैसे बनेगा 2 मिनट में ई पैन कार्ड। तो सबसे पहले जाएंगे हम गूगल पे, टाइप करेंगे इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग। ये हमें लेके जाएगा गवर्नमेंट की इनकम टैक्स के पोर्टल पे, www.incometaxindiaefiling.gov.in। अब यहां आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे इंस्टेंट पैन थ्रू आधार न्यू, दिस इज न्यू अपडेट इन बजट 2020। राइट साइड में आप देख सकते हैं 13 फरवरी 2020 की नोटिफिकेशन है, इंस्टेंट पैन अलॉटमेंट इन नियर टू रियल टाइम इज अवेलेबल एट फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिविजुअल्स अदर देन माइनर विद अ वैलिड आधार नंबर कैन अवेल द पैन अलॉटमेंट फैसिलिटी। खैर, हमें क्लिक करना है इंस्टेंट पैन थ्रू आधार, ये हमें लेके जाएगा एक नए पेज पर। अब इस नए पेज पे आप देख सकते हैं कि ये तमाम ई पैन की फीचर्स मेंशनड है, यानी इजी एंड पेपरलेस है, गेट पैन विद इन 10 मिनट्स है, और ये फिजिकल पैन के इक्विवेलेंट है, और लास्ट में कहता है कि आपके पास जो रिक्वायरमेंट है वो है एक आधार कार्ड की और एक मोबाइल नंबर की। इट सेज कि विद इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में बन जाएगा। सिंस ये वीडियो मैं एक एक स्टेप को एक्सप्लेन करके बना रहा हूं इसलिए 2 मिनट से ज्यादा वक्त लग सकता है, लेकिन अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो आप फटाफट 2 मिनट में अपना पैन बना सकते हैं। चलिए फिलहाल हमें एक नया पैन लेना है, इसलिए हमने क्लिक किया गेट न्यू पैन। अगेन हम एक नए पेज पे जाएंगे, यहां हमने अपना आधार नंबर डाल दिया, उसके बाद हमने एक कैप्चा डाला। कैप्चा डालने के बाद में आई कंफर्म दैट, 4 चीजें कंफर्म करनी होती है कि मेरे पास दूसरा कोई आधार नंबर नहीं है, दूसरी चीज कि मेरा आधार मेरे मोबाइल से लिंक्ड है, तीसरी चीज ये कि मेरा डेट ऑफ बर्थ वही है जो आधार कार्ड में है, और चौथा ये कि एक माइनर नहीं हो, क्योंकि ये फैसिलिटी माइनर्स के लिए नहीं सिर्फ मेजर्स के लिए है, और पांचवी कि मैंने सारे टर्म एंड कंडीशन पढ़ लिए हैं। इसके बाद आपने क्लिक कर दिया जनरेट आधार ओटीपी। अब आपके फोन पे एक ओटीपी आएगा, आपने वो ओटीपी एंटर कर दिया, देन आपने क्लिक किया आई अग्री एंड वैलिडेट आधार ओटीपी एंड कंटिन्यू पे।
अब आप देख सकते हैं कि आपके आधार की वो तमाम डिटेल्स जो आपने आधार में मेंशन कर रखा था, वो तमाम डिटेल्स अब आप पैन के लिए भी कॉपी कर दिए गए हैं। यहाँ वही फोटो है, वही डेट ऑफ बर्थ है, नेम, एड्रेस, लोकेशन, सब कुछ वही जो कि आधार में आपने डाल रखा है। उसके बाद आपने क्लिक किया आई एक्सेप्ट, ये तीनों टर्म एंड कंडीशंस आपने एक्सेप्ट किया और क्लिक कर दिया सबमिट पैन रिक्वेस्ट। बस इतना करना था, आप 90% अपना काम कर चुके हैं, 10% और बचता है। अब आप देख सकते हैं कि एक अक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो गया, आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं फर्दर रेफरेंसेस के लिए। अब आपको क्लिक करना है चेक स्टेटस पे। चेक स्टेटस पे क्लिक करने के साथ ही अगेन आपको एक नए पेज पे लेके जाएंगे, जहां पे अगेन आपको आधार नंबर डालना है, एक कैप्चा डालना है और सबमिट का ऑप्शन क्लिक करना है। इसके साथ ही फिर से आपके फोन पे एक ओटीपी जाएगा, अगेन उस ओटीपी को यहां पे डाल के ऑथेंटिकेट करना है। इसके साथ ही आप एक नए विंडो पे चले जाएंगे, यहां पे आप देख सकते हैं कि पैन अलॉटमेंट सक्सेसफुल। नीचे एक नोट है कि आपको ये ई पैन ओपन करने के लिए पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा, पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। सो लेट्स से कि आपका डेट ऑफ बर्थ है 11 फरवरी 1990, तो आपका पासवर्ड हो जाएगा 11021990। वैसे तो यहां लिखा हुआ है पीडीएफ लिंक विल बी जनरेटेड आफ्टर 10 मिनट्स, बट मैंने अभी इसे 2 से 3 मिनट बाद ही करके देखा था और पीडीएफ का लिंक जनरेट हो चुका था। सो इन सम केसेस इट मे टेक सम टाइम, बट आइडियली 2 से 5 मिनट के अंदर ये पीडीएफ लिंक जनरेट हो जाता है। पैन अब डाउनलोड करने के लिए हम क्लिक करेंगे ई फाइलिंग, और यहां क्लिक करने के साथ ही हम आ जाएंगे होम पेज पे। होम पेज में आने के बाद फिर से हम क्लिक करेंगे इंस्टेंट पैन थ्रू आधार, जहां से हम फिर से उसी वाले पेज पे आ जाएंगे जहां से हमने शुरुआत करी थी। बट इस बार हम क्लिक करेंगे चेक स्टेटस ऑब्लिग डाउनलोड पैन। सिंस अब आप पैन को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो फिर से अपना आधार नंबर डालेंगे, कैप्चा एंटर करेंगे, ओटीपी एंटर करेंगे और पैन डाउनलोड कर लेंगे। इस पैन को डाउनलोड करके आप कहीं भी सेव कर सकते हैं। इस सेव्ड पैन को ओपन करने के लिए अगेन आप पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड जैसा मैंने बताया था डेट ऑफ बर्थ होगा, विदाउट एनी स्पेस, विदाउट एनी स्पेशल कैरेक्टर्स। और अब आप देख सकते हैं ये है आपका ई पैन, इंस्टेंटली जनरेट हो गया। ये वो पैन नंबर है। इसे अब स्क्रॉल करके नीचे देखें अगर हम, तो ये पैन का वो फॉर्मेट है जिसे हम प्रिंट करके, लैमिनेट करके और सेम प्लास्टिक वाले पैन कार्ड के जैसे यूज कर सकते हैं। That's it. तो है ना कितना आसान, विदाउट मेकिंग अ पेमेंट ऑफ सिंगल रुपी, एक रुपए की भी पेमेंट नहीं करी, इंस्टेंटली विद इन 2 to 5 मिनट्स आपका ये पैन आपके पास अवेलेबल है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप फ्यूचर वीडियोस के लिए टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो जब तक हम किसी और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आते हैं, तब तक आप यूं ही कमाते रहें, बचाते रहें और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहें। थैंक यू।